सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज आपने हमें इतना सुंदर विषय महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता, जो व्यक्ति त्यागी हो, तपस्वी हो, अंधविश्वासों को दूर करता हो, गरीबों की मदद करता हो, देश के लिए 2400 घंटे यज्ञ जप तपस्या करता हो, सभी धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ के चलता हो, वे व्यक्ति महान होते हैं। जिन लोगों ने अशिक्षितों को शिक्षा देने की बात करी, नदियों के जल को पवित्र रखने की बात करी, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की बात करी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके भारत के तिरंगे को ऊंचाई दी, उन सभी महान व्यक्तियों के प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। यदि वे लोग न होते तो सड़कें ना होती, विद्यालय ना होते और हमारे माँ बाप जिन्होंने हमको जन्म दिया था, जिन्होंने महापुरुषों को हमारे लिए चुना और उन महापुरुषों के जीवन की गाथाएं हमें लोरी के रूप में, गीत के रूप में, लोकगीत के रूप में हमें समय समय पे सुनाई और उन बातों को सुन के हम उन महापुरुषों के जीवन से इतने कृतज्ञ हो गए कि हम स्वयं अच्छे अच्छे काम करने लगे, इंडस्ट्रीज का मॉडर्नाइजेशन करने लगे, किसान की खेती को आधुनिक रूप देने लगे। ये बहुत जरूरी था, सारे देश को एक जगह जोड़ के सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उन महापुरुषों को नमन करते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए ये निर्णय करने लगे, भारत की आने वाली पीढ़ी को उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता का जो भाव सिखाएंगे, उसके साथ साथ उनके कदमों पे चलते हुए, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत के हर प्राणी को विश्व स्तर के काम से जोड़ेंगे, हमारी शिक्षा को नया स्वरूप मिलेगा, हमारी सोच को नया स्वरूप मिलेगा, हमारे काम करने के सिस्टम को नया स्वरूप मिलेगा, हमारे यज्ञ करने के, पूजा करने के, योग करने के सिस्टम को भी नया स्वरूप मिलना जरूरी है। वो जब ही मिल सकता है जब हम अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ रहेंगे, महापुरुषों के प्रति आस्थावान रहेंगे और उनके अधूरे कामों को आगे पूरा करेंगे। आज के इस वर्तमान युग में कोई बच्चा कितना भी पढ़ ले, कितना भी महान हो जाए, यदि वह अपने गुरुओं के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति आस्थावान नहीं है, तो ये समझ ले कि वह बच्चा कभी भी उन ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जिन ऊंचाइयों की जरूरत है। साथ ही जो बच्चे आस्थावान है लेकिन आस्था के साथ साथ मॉडर्निटी में विश्वास नहीं रखते, वह मॉडर्निटी जो महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती हो, हमें पढ़ना लिखना सिखाती हो, हमें देशभक्त बनाती हो, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए हमें जागृत करती हो, हमारे धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाती हो और हमें उन सभी परंपराओं को और मजबूत स्तंभ देने के लिए, माइलस्टोन देने के लिए जागृत करती हो, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, हमारे देश का अस्तित्व है, हमारे तिरंगे का अस्तित्व है,
उन महापुरुषों को हम बार बार नमन करेंगे, बार बार उनको चरण स्पर्श करते हुए आगे बढ़ने की बात करेंगे। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, हम कंप्यूटर के युग में पढ़ लिख लिए, हमने सोशल मीडिया का सहारा ले लिया, आधुनिक युग के विज्ञापनों का सहारा ले लिया और उनके कारण से हम आगे बढ़ने लगे। लेकिन जब जब हमने अपनी परंपराओं को छोड़ा है, जब जब हम अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ नहीं हुए हैं, तो हम पीछे की तरफ चले गए। हमने गलत परंपराओं को अपनाया तो गलत किया, क्योंकि हमारी परंपरा, हमारा धर्म, हमारे महापुरुष हमें सदैव ये सिखाते रहे कि जैसा बोगे ऐसा काटोगे, और उस परंपरा के अनुसार आधुनिक बातों को अपनाना, फसल ज़्यादा पैदा करना, बच्चों को शिक्षित करना, शिक्षा के प्रति जागरूक रहना, अंधविश्वासों को समाप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे कि आने वाले समय में हम चौमुखी विकास के रास्ते को अपनाते हुए जो भी बाधा हमारे जीवन में आए, उस पे चिंतन मनन करके महापुरुषों के प्रति कृतज्ञ रह के आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। पुनः सभी को नमस्कार, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। रेशु एडवर्टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। भाइयों बहनों, आप में हर कोई व्यक्ति जीवन में विकास करना चाहता है, और जो विकास करना चाहते हैं वे हमारे द्वारा विकसित की गई वीडियो को देखकर हमें अपनी राय दें। वे हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी राय लिखें, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन की सूचना आप पर सबसे पहले पहुंचे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना सहयोग सदैव देते रहें, ताकि आपका सहयोग इस देश को विश्व महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण बन सके। आप सबको प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।